नमस्कार दोस्तों, आरकेएस क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। तो अभी मैं हूँ बिलासीपारा कॉलेज में और यहाँ पे और मेरे दोस्त बिकी है, दिगंत है, सब लोग है। तो यहाँ पे अभी मैं ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए एकदम एंड तक। जगह जगह पे मैं जाऊँगा, जितने सारे दिखा सकता हूँ आप लोगों को दिखाऊँगा कैसा हुआ है बिलासीपारा में, कैसे ये मतलब मनाया जाता है बिलासीपारा में, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। यहाँ पे है पिनाकी, तुम लोगों को घूम के कैसा लगा सरस्वती पूजा में? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पिनाकी एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा नॉलेज है फोटोग्राफी में, तो करते रहो अच्छे से फोटोग्राफी। और यहाँ पे हमारे साथ है पार्थो भैया। तो पार्थो भैया के बारे में क्या बताओ? नहीं, पार्थो भैया बिलासीपारा से जी बांग्ला जो है, जी बांग्ला जो बंगाली एंटरटेनमेंट का मेन जो सबसे बड़ा चैनल है, वहाँ पे जाके सीरियल में पार्थो भैया एक्टिंग करता है। तो कुछ बताइए भैया कि आपको वहाँ पे जाके कैसा एक्सपीरियंस और कैसे आप वहाँ पे करते हैं, कैसे आपका जानी थोड़ा करके बताइए। वहाँ पे जाके मेरा पहले तो बहुत तकलीफ हुआ, बाद में मैं वहाँ के ऑडिशन पे जाकर वो चांस पाया। वहाँ पे पहले बहुत तकलीफ होता था मुझे, लेकिन बाद में मेरे को ये समझ आया कि लाइफ में संघर्ष होना चाहिए, मतलब स्ट्रगल होना चाहिए, जीवन में संघर्ष थका दरकार। कोनो किछु तो भय पेते नहीं, तुम जेटा होते चाओ सेटाई होते हबे, सेटा तुम पारबे। একটা নিয়ে থাকতে হবে, একটা লক্ষ্য নিয়ে থাকতে হবে। আর আমার বন্ধুর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং দাদাকেও সাপোর্ট করুন এগিয়ে যেতে। তো বহুত ভালো লাগলো, ঠিক আছে। এখন আছি ইন্দ্রনারায়ণ একাডেমি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। তো এই স্কুলে আমরা এখন আছি আমাদের স্যারের সাথে। এই স্যারই আমাকে ক্লাস 10-এ ইংলিশ শিখিয়েছিলেন। তো আমার একজন খুব ফেভারিট স্যার কাকন স্যার। তো পূজা কেমনভাবে কাটলো এই বছরের সরস্বতী পূজা, কীরকম আপনি যদি অল্প বলেন খুব ভালো লাগবে স্যার। হ্যাঁ, গত বছর যেমন আমাদের কোভিড আসার আগেই পুজো হয়েছিল, কিন্তু কোভিডের পর আবার আমরা এবছর পূর্ণ উদ্যমে আমরা পূজা উদযাপন করছি। কিন্তু এখানেও আগেরবার যেরকম অনেক আমাদের পুরানো ছাত্রছাত্রী আসছিল, কিন্তু এবছর তাদের সেই আসার যে কীটা একটু কম দেখা যাচ্ছে। সুতরাং তথাপিও আমাদের এখানে ভালো পূজা উদযাপন হচ্ছে বলে আমি। আর স্কুলের পূজা প্রত্যেক বছরই খুব সুন্দর হয় এবং অনেকদিন থেকে চলে আসছে এই পূজাটি। এবং এই স্কুলটি বিলাসীপুরের সব থেকে পুরানো স্কুল, 1928 সনের এই স্কুলটি। তো স্যারের সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো এবং স্যারের মহামূল্যবান সময় আমাদের আমার এই ভিডিওতে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ স্যার, থ্যাংক ইউ। हमें बिलासीपारा कॉलेज के सामने यहाँ पे हमसे हम मिल गए अर्पण भाई से। तो सरस्वती पूजा में तुम स्कूल में गए हो आज? हाँ। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? रॉयल एकेडमी में। कौन सा क्लास में? 4 में। तो अर्पण भाई मेरा वीडियो देखता है, बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज से मैं जब जाता हूँ इस साइड से, अर्पण भैया के साथ रोज मुलाकात होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अर्पण भैया भी ब्लॉग बनाते हैं, तुम भी बनाते हो ना? तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिलके। बोल दो हैप्पी सरस्वती पूजा, बोल दो सभी को सरस्वती पूजा। हाँ ठीक ठीक है। तो हम अभी है इंद्रनारायण एकेडमी ACS स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ाई किए थे। क्लास 6 से 10 तक मैंने यहाँ पे पढ़ाई किया था। और हमारे साथ है बासु भैया। तो तुमको यहाँ पे आके फिर से कैसा लगा इतने दिन बाद? हाँ, बहुत दिनों बाद हम सरस्वती पूजा में स्कूल में आए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा सर और मैम लोगों के साथ मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, एंजॉय कर रहे हैं, कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ है। अभी तो भीड़ थोड़ा कम हो चुका है, मतलब जा रहे हैं लोग अभी। तो देखते रहिए ब्लॉग को और हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर देना।